यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि पूरी तरह से क्रैश हो चुका है आज, और ये शेयर है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। काफी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन आज जो क्रैश हुआ है उसके पीछे रीजन जो है वो है कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट। जो जून क्वार्टर के रिजल्ट है वो काफी मतलब गिरावट देखने मिला प्रॉफिट में, जिसके कारण स्टॉक में काफी गिरावट देखने मिला। और ऐसे भी ये स्टॉक देखिए यहाँ से पहले से ये गिरावट हो रहा था और यहाँ पर सपोर्ट के पास था, जो शॉर्ट टर्म का ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आज ब्रेक किया स्टॉक और 10% का गिरावट देखने मिला। देखिए ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आज, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं इस स्टॉक में 10% का जबरदस्त गिरावट देखने मिला, और जो इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है उसके आसपास ये स्टॉक आ चुका है। अभी 4,843 रुपीज पे है और इसका जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 4,660 रुपीज, और इसके आसपास जब आता है तो ये सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक रीजन होता है, जैसे ये रीजन इसका रेसिस्टेंस का काम करता है, तो ये रीजन है जो रेसिस्टेंस का काम करता है 5,450 से लेकर के 620 रुपीज, तो ये है रेसिस्टेंस रीजन। और वहीं जो सपोर्ट रीजन है उसके आसपास ये स्टॉक आ चुका है, तो हो सकता है ये यहाँ पर भी 4,780 यहाँ से लेकर के नीचे जो है 4,660 इसके बीच ये रेसिस्टेंस ले सकता है। तो 120 रुपीज का ये सपोर्ट रीजन है, इसके बीच ये कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक किया तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वह है 4,380, तो यहाँ पर फिर ये रीजन बनता है, यहाँ पर इसमें ये सपोर्ट ले सकता है। तो अभी जो स्टॉक है पूरी तरह से क्रैश हो गया, तो यहाँ पर आपको आगे देखना पड़ेगा कोई भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा बेटर होता है होल्ड करना, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी बात करेंगे, ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है, तो शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन है। देखिए कभी भी स्टॉक को यहाँ पर जैसे आप बाय करते तो अभी देखिए आपको 10% का लॉस झेलना पड़ता है शॉर्ट टर्म में, वहीं अगर हम बाय करते हैं कब, या तो ब्रेकआउट पे, या तो स्टॉक यहाँ से गिरेगा फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस तरह से शॉर्ट टर्म में बनाया, देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, तो यहाँ शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट ले सकते थे। तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, या तो आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे बाय कीजिए या तो ब्रेकआउट पे बाय कीजिए। यहाँ पर जैसे ऊपर निकलता तो बाय करते, अब ये नीचे आ गया तो ज़्यादा बेटर है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, सस्ते में अच्छे स्टॉक्स को खरीदते हैं, जैसे गिरावट हो रहा है तो गिरावट होने दीजिए, जैसे ये सपोर्ट लेना शुरू करेगा तो वहां पर हम बाय करना शुरू करेंगे। ये हो गया शॉर्ट टर्म का अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग वीकली मंथली चार्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का जो ये रीजन है ये यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बल्कि ये यहाँ पर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये रीजन है 5,620 और ऊपर का लेवल, और नीचे है 4,150। इस रीजन के बीच जब तक स्टॉक है तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक्युमुलेट कर सकते हैं, जैसे जैसे गिरावट होता है। अगर इसके नीचे आता है 4,000 के नीचे, अच्छे से इसमें एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी वीक स्टॉक में नहीं जाते हैं। देखिए फंडामेंटली जब तक स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हम उसको एक्युमुलेट नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, तो बनाने के बाद यहाँ पर हो सकता है ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से कप है, तो ये हो सकता है यहाँ एक तरह का हैंडल फॉर्म कर रहा हो, जिस तरह से ये कप फॉर्म किया है यहाँ पर फिर एक हैंडल फॉर्म करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा जिसमें फिर सपोर्ट कौन करेगा, अच्छे रिजल्ट, कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं निश्चित रूप से स्टॉक ब्रेकआउट देगा। तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक इस तरह से कप बनाया, फिर इस तरह से यहाँ पर हो सकता है ये हैंडल का फॉर्मेशन करे, फिर यहाँ पर ये स्टॉक जो है 5,620 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं, या यहाँ पर कोई बॉटम बनाता है फिर से ये फिनिश करता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट कितना सॉलिड है, स्टॉक आराम से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करते हुए ऊपर जाता है, तो बस उसी का आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको इसको बाय करना है, नीचे के प्राइस पर एक्युमुलेट करना है। अब डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट की बात करें तो देखिए रेवेन्यू जो है कंपनी का वो मिलियंस में है, तो मिलियंस में 10 से डिवाइड कर देना है, तो 4,919 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है फाइनेंशियल जून के क्वार्टर में, और यहाँ पर जो पिछले साल के जून क्वार्टर में था 4,417 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है।
वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो 4728 करोड़ का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब वहीं बात करें नेट प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हुआ है 570 करोड़ का जून क्वार्टर फाइनेंशियल 22 में, वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में था 579 करोड़ का। तो यहाँ पर देखिए 9 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में लॉस दिखा रहा है, तो नेट प्रॉफिट में लॉस है। और वहीं बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 362 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो अच्छा जंप देखने मिला है कंसोलिडेटेड यहाँ जो प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस है प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिला है। तो इस डिक्लाइन के कारण ही हो सकता है शेयर प्राइस जो है रिस्पांस किया हो, जिसके कारण काफी ज्यादा 10% तक का गिरावट आज हमें देखने मिला शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर की बात करें 34 रुपीज है 34 पैसा इस क्वार्टर में, और पिछले साल क्वार्टर में 34 रुपीज 86 पैसा, तो देखते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने मिला है। और फिर यहाँ पर बात करें पिछले क्वार्टर में तो 21 रुपीज 80 पैसा था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो इंक्रीज हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्रीज हुआ है। तो ये कारण था जिसके कारण डॉक्टर रेड्डी में गिरावट देखने मिला। अगर बात करें कंपनी फंडामेंटल्स का, देखिए मार्केट कैप 90,000 करोड़ का है, एक ब्लू चिप कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश है अपने बिजनेस में, के लिए आज 10% गिरावट है। तो करेंट प्राइस जो है आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर 4,843 रुपीज। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.46% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7% का, फेस वैल्यू 5 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 26.7% मात्र प्रमोटर्स का इसमें स्टेक है। और बात करें यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.17, तो काफ़ी कम है इक्विटी के मामले में कंपनी के पास जो डेट है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट इक्विटी के कंपेरिजन काफ़ी कम है। टोटल डेट 3,000 करोड़ का है जबकि रिजर्व कंपनी के पास 17,000 करोड़ का है। और कंपनी जो है पूरी तरह से ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है अपने बिजनेस को किए हुए, और कंपनी जो है मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट और सर्विस में है उसमें है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई जो कि काफी बेहतरीन मार्केट अभी इसका इमर्ज हुआ है, और कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विस, और साथ साथ जेनरिक फार्मा में भी है बायोसिमिलर और डिफरेंशियल फार्मुलेशन। ग्लोबल जो रेवेन्यू है कंपनी का 80% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से, जिसमें यूएस मार्केट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो यूएस मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट पर बैन लगता है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से भी कंपनी का जो रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस पे आपको क्रैश देखने मिलता है। तो इन सब फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग जो है थोड़ा डिक्रीज हुआ था, तो लगभग जो है पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंट है, तो मतलब 26% ही है। एक ब्लू चिप कंपनी में 26% काफ़ी इनफ होता है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी और काफ़ी वेल एस्टेब्लिश काफ़ी बड़ी होती है। साथ साथ इसमें देखिए FIIs का स्टेक 29% का है तो काफ़ी बेहतरीन, इसे भी आप एज ए प्रमोटर ले सकते हैं। DIIs का स्टेक भी 15% है, पब्लिक स्टेक 28% है। ये वो बेहतरीन कंपनी है जिसपे आज स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने मिला, जो एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा आपको लोअर प्राइस पर इस स्टॉक को एक्युमुलेट करने का। तो निश्चित रूप से जैसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करता है तो आपको एक्युमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।